आपण असं नेहमी म्हणतो की डोळे आपल्या सर्वांकडे असतात पण दृष्टी मात्र काही जणांकडेच असते। आज अशीच एक वेगळी दृष्टी ज्यानं स्वतःमध्ये जागृत केली आणि आपल्या छंदाद्वारे आपल्या सर्वांच्या समोर आणली त्या विकी रॉय बरोबर आपण गप्पा मारणार आहोत। वर्ल्ड फोटोग्राफी में आज एक ये चमकता हुआ सितारा है, एक यंग फोटोग्राफर है विकी रॉय। विकी, समझ लीजिए कि आपको एक मौका मिलता है, टाइम मशीन यहाँ आता है और टाइम मशीन में आप बैठे हैं और समय में पीछे जा रहे हैं, लेकिन पीछे जाते समय अब आपके हाथ में कैमरा है। ओके, जो पहले नहीं था। जो पहले नहीं था। तो आप अभी टाइम मशीन में बैठ के पीछे जा सकते हैं, हाथ में कैमरा है और आपकी कहानी के कुछ स्नैप्स आप ले रहे हैं। ओके, और वो स्नैप्स अब आप हमारे सामने रखने वाले हैं। ओके, ओके, तो पहला स्नैप कौन सा दिखाई देता है? क्या कर रहा है हमारा नायक? जब मैं 2.5-3 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिया और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ वहाँ पे तो लाइक मेरे से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे बहुत मार पड़ रही है, तो आंखों से आंसू गिरते हुए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। तो आप ये फोटोग्राफी के थ्रू इमेजिन कीजिए। हाँ, कि एक ऐसा लड़का है, हाँ, जिसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। हाँ, कहाँ है ये लड़का, कौन से शहर में? वेस्ट बंगाल, पुरुलिया। तो फाइनली एक दिन मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं घर से भाग जाऊँ। अच्छा, ये लड़का। अच्छा, तो दूसरा शॉट भागने का है? अब भागने का नहीं, दूसरा शॉट भी भागने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि मैं घर में पैसे चोरी कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाँ, भागने के लिए पैसे भी तो चाहिए। बराबर। तो मैं अपने मामा के जेब से 800-900 रुपये निकाला और स्टेशन गया और देखा कि नई दिल्ली की गाड़ी लगी हुई है, तो मैं ट्रेन में बैठ गया और मैं फिर नई दिल्ली स्टेशन आ गया। तो तीसरा फोटो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं नई दिल्ली स्टेशन में हूँ और प्लेटफॉर्म में रो रो करके भटक रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। और पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देख रहा था, बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए कि यार इतना भीड़ है, कहाँ पे जाऊँ मैं। सो रो रो करके भटक रहा था तो कुछ स्टेशन के बच्चे मेरे पास आए और पूछ रहा कि ओए लड़के, घर से भाग के आया है? तो मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने मुझे एक शेल्टर होम ले करके गया जहाँ सिर्फ छोटे बच्चे रहते हैं। तो मैंने वो शेल्टर होम हमेशा लॉक रहता था, मुझे लगा कि मैं किसी गलत जगह में आके फंस गया हूँ, क्योंकि बचपन में बहुत कहानियाँ भी सुनी थी कि बच्चे से ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत जगह में। नेक्स्ट डे वहाँ से फिर भाग गया, स्टेशन गया, उन्हीं लड़कों से मिला, उनको बताया कि ऐसा ऐसा था, खाना वाना तो अच्छा मिला था बट वो बंद करके रखते थे तो मैं इस वजह से भाग के आ गया। तो उनके साथ मैं भी काम करना चालू कर दिया। क्या काम करते थे? तो जो ये पानी की बोतल हम पी करके फेंक देते हैं, तो मैं ये पानी की बोतल उठाता था जो लोग पी के फेंक देते हैं ट्रैक पे, और हम इनमें जो कूलर लगे होते हैं स्टेशन में, हम उसमें ठंडा पानी भरते थे और जनरल बोगी में 5 रुपए करके बेच देते थे। ओ, एक बात बताओ विकी, ये सब करते समय घर की याद आती थी क्या? आती थी, बट मुझे पता था कि घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, बिकॉज मेरे पापा घर खर्चे के लिए 20 रुपया देते थे एंड हम 7 भाई बहन थे। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि घर की कंडीशन, जैसे एक टाइम खाना बनता था तो वही 3 टाइम खाते थे। तो ऐसा सिचुएशन था, तो इस वजह से घर वापस नहीं जाना चाहता था। तो एक याद तो आ रही थी, लेकिन हाँ, वापस जाने की सोच नहीं थी। हाँ, और प्लस स्टेशन में एक ये बेनिफिट था कि आपको मार-वार बहुत खाना पड़ता था, क्योंकि कभी पुलिस वाले आके मारते थे और हर एक प्लेटफॉर्म में एक विलन होता था, वो पैसे छीन लेते थे। बट प्लस पॉइंट ये था कि सुबह सुबह राजधानी शताब्दी ट्रेन आके रुकती थी, उसमें किचन में बहुत खाना बच जाता था तो वो लोग हमें वो खाना दे देते थे। बट हम तो इस मकसद से घुसते थे कि अगर उनका आइसक्रीम का डब्बा उब्बा बच गया तो वो चोरी करके भाग जाए और वो बाहर जाके 20 रुपए में या 10 रुपए में बेच दूँ। तो मतलब बचपन में इस तरह की ये कर लेता था। ये सब जिंदगी थी। हाँ, बराबर। स्कूल में कब गए फिर तुम? स्कूल में उसके बाद भी नहीं गया। उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म में, क्योंकि इतना मार वार खाना पड़ता था, तो मैंने अजमेरी गेट में बहुत सारे स्ट्रीट रेस्टोरेंट है, नई दिल्ली के पास अजमेरी गेट है, और तो मैंने वहाँ ढाबे वाले से जा कर के काम मांगा, तो मुझे उन्होंने डिश वॉशर का काम दिया, प्लेटें धुलने का। तो वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरे लाइफ में, मतलब ठंडी के समय में, मतलब प्लेटें धुलना, और हाथ पाँव में काफ़ी घाव वाव हो जाते थे, ब्लड निकलते थे। और तो समहाउ एक वॉलेंटियर मेरे से टकराया है और उसने मुझे आके समझाया कि विक्की, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे दोबारा उसी एनजीओ में भेजा, बट दूसरे उनके अलग अलग ब्रांचेस थे उस एनजीओ के। तो इस बार उन्होंने भेजा ड्रॉप इन सेंटर, जहाँ पे सिर्फ बड़े बच्चे रहते हैं एंड वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। ये कौन सा एनजीओ था? ये सलाम बालक ट्रस्ट है। मीरा नायर की 1988 में एक मूवी आई थी सलाम बॉम्बे, तो उस मूवी के प्रीमियर से जो पैसे आए थे उससे उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था, सलाम बालक ट्रस्ट। तो ये उनकी मदर चलाती है दिल्ली में। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ दिन जाके मैं अच्छे से रहा। मुझे वहाँ का पीयर एजुकेटर बना दिया, मतलब एक मॉनिटर की तरह। तो जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग को 4 दिन दूध मिलते थे और अंडे मिलते थे, ब्रेड बटर एंड बनाना मिलते थे, बाकी दिन छोले भटूरे पराठे। तो जिस दिन दूध लाना होता था तो नीचे मदर डेयरी था, तो जो मॉनिटर होता था उसका काम था कि दूध ला के गर्म करेगा और बच्चों को बांटेगा। तो जैसे अगर 10 लीटर दूध लाना है तो मैं 8 लीटर दूध लाता था, 2 लीटर पानी मिला देता था क्योंकि पॉकेट मनी नहीं मिलता था ना हम लोग को शेल्टर होम में। तो हम कोशिश करते थे कि अब स्कूल जाते थे, बाकी बच्चे खरीद के खाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। ऐसी जिंदगी चल रही थी। हाँ, ऐसी चल रही थी। आगे क्या हुआ? फिर क्लास 6 में मेरा एडमिशन हो गया और गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल था, तो मैं वहाँ पे स्कूल जाने लगा और परसेंटेज भी इम्प्रूव हो गया। घर में परसेंटेज आते नहीं थे, कभी मुश्किल से पास होता था। यहाँ पे 80 से ऊपर परसेंटेज आने लगे। अब कुछ थोड़ा बहुत नकल मारता था बट जब क्लास 10 में आया तो बोर्ड का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत चेकिंग होती है, तो उसमें थोड़े से भी नकल नहीं मार पाया था किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें 48% आए। सो मेरे टीचर का तो दिमाग ख़राब हो गया कि कहाँ 80 आता था और कहाँ 48 आया। ठीक है, तो जितने हम लोग को बैठाया और मुझे जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो नहीं, अपना ट्रैक चेंज करो, कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग करो। अच्छा, हाँ। तो बोला कि अगर आपका 55 से ऊपर परसेंटेज होता तो हम तुम्हें सजेस्ट करते कि 11th 12th रेगुलर स्कूल से करो, बट आपका परसेंटेज अच्छा है ही नहीं, तो आप NIOS से 12th कर लेना और आप अभी कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग, ओपन स्कूल है उससे 12th कर लेना। हाँ हाँ, और अभी कुछ सीखो। हाँ, अभी कुछ ट्रेनिंग करो। जब मैं सलाम बालक में नया नया आया था तो उस समय एक फोटोग्राफी वर्कशॉप हुआ था सलाम बालक में 2000 में। मैं पार्ट नहीं था उस वर्कशॉप का, बट जिन्होंने अच्छी फोटोग्राफी की थी वो इंडोनेशिया श्रीलंका गए थे उस समय। अच्छा। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ घूम रहा था, लालच था कि यार अगर फोटोग्राफी करूँगा तो घूमने फिरने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि कैमरा भी देंगे सर, फिर फोटोग्राफी करूँगा। तो मैंने सर को कहा कि मुझे फोटोग्राफी करनी है, तो उन्होंने मुझे एक कोडेक कैबिटेन कैमरा दिया। कोडेक कैमरा दिया आपको? हाँ। और हमारे सलाम बालक में उस समय एक अवार्ड प्रोग्राम चलता था, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल। तो उसमें एक सेक्शन था स्किल, तो उसमें मैंने फोटोग्राफी ले रखी थी। तो मुझे हर महीने 3 रोल मिलते थे। अच्छा। हाँ, शूट करने के लिए। ओके। तो मैं क्या करता था, हमें जो सोने के लिए दरी मिलती थी वो दरी को दीवार पे लटका देता था और जो मेरे दोस्त थे उनको सामने खड़ा करके फोटो खींचता था। अच्छा। तो उसके वजह से क्या देखा मैंने कि जो मेरे दोस्त थे मेरे रिस्पेक्ट करने लग गए, मतलब पावर आ गई मेरे अंदर। ठीक है, जो मेरे से ढंग से बात नहीं करते थे उनको फोटो खिंचवाना होता था, यार विक्की एक फ़ोटो खींच दे। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार सडनली सबका वो नज़रिया चेंज हो गया एक कैमरे के वजह से। हाँ। तो मैं सर के पीछे ही पड़ा रहा कि सर मुझे फोटोग्राफी करनी है। अच्छा, फिर? तो उस वक्त एक ब्रिटिश फोटोग्राफर आए हुए थे, डिक्सी बेंजामिन, एंड मेरे टीचर ने कहा कि एक लड़का फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, आप इनको फोटोग्राफी सिखाओगे? तो उसने कहा कि हाँ, और वो मेरे से मिलने आया। तो सारी चीज़ें इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा, और मुझे उस समय यस ओके नो के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। बराबर। हाँ। सो फिर एंड ऑफ 2004 में श्रीलंका में सुनामी आया और डिक्सी को श्रीलंका जाना था वहाँ के लोगों की मदद के लिए। तो मैंने डिक्सी से पूछा कि हाउ टू आई बिकम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। तो उसने मेरे एक फ्रेंड को एक्सप्लेन किया कि इसको बताओ कि बहुत सारे जैपनीज, चाइनीज़, फ्रेंच फोटोग्राफर वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं बट वो लोग अच्छे फोटोग्राफर हैं। सो ये इंडियन है, हिंदी बोले और इसके पास अच्छा आई है। फिर डिक्सी चला गया और तब तक 18 साल के बाद हम एनजीओ में रह नहीं सकते हैं। तो मेरे लिए फिर सलाम बालक ने एक दूसरा जॉब ढूंढा। एक दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर है अनईमान, तो उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। तो मेरे एनजीओ ने उनको अप्रोच किया मुझे रखने के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए। मैं गया और मैं अपने एल्बम ले करके गया जो मैं कोडेक के B10 से फ़ोटो खींचा था। हाँ, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे साथ जॉब करो, मैं आपको 3000 सैलरी दूंगा, सेल फ़ोन दूंगा, बाइक दूंगा। तो मुझे लगा कि वाह यार फैंटास्टिक जॉब है, सेल फ़ोन भी मिल रहा है, बाइक भी मिल रहा है और 3000 रुपीज़ भी मिल रहा है। और उन्होंने कहा है कि मेरा महीने में 8-10 दिन का काम ही होता है, बाकी दिन आप फ्री हो, आपको जो मर्जी वो करो। तो मतलब ड्रीम जॉब शुरू में ही मिल गया। और फिर मैंने सलाम बालक से लोन ले करके एक फ़िल्म कैमरा ख़रीदा, निकॉन F80। उस समय करीब 28,000 रुपये का वो कैमरा आया था और मुझे 3,000 रुपये सैलरी थी। तो उससे मैं हर महीने 500 रुपये रिटर्न करता था सलाम बालक ट्रस्ट को और 2,500 रुपये में अपना गुजारा करता था। और सलाम बालक हर महीने 3 रोल देती थी, तो मैं 3 रोल 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाता था और मेरे पास और पैसे नहीं होते थे रोल ख़रीदने के लिए। तो मैं 5 स्टार होटल में जाके वेटरिंग कर लेता था और उससे जो पैसे आते थे फिर चांदनी चौक से जाके सस्ते रोल ख़रीद के लाता था। चांदनी चौक में थोड़ा सस्ता मिल जाता था अच्छे रोल, तो वहाँ से जाके ख़रीद के लेके आता था और जुनून सवार था शूट करने का। हाँ, तो ऐसे फोटोग्राफी करते हुए फिर अनई सर के साथ काम करते हुए और मेरी ट्रेवल स्टार्ट हो गई उसी दौरान। अनई सर को मैंने जैसे ज्वाइन किया तो 2-2.5 साल के अंदर मेरे पास 300 बोर्डिंग पास इकट्ठे हो गए। तो 300 बोर्डिंग पास? हाँ। अच्छा, आप हर एक बोर्डिंग पास रखते? हाँ, मैं संभाल के रखता था बिकॉज मेरे लिए ड्रीम था फ्लाइट में बैठना, ठीक है, क्योंकि जब मैं पहले रूम लेके रेंट पे रहता था, हम लोग गर्मी के दिनों में छत पे सोते थे, पंखे नहीं थे, ठीक है, तो वो ऊपर से फ्लाइट जा रही होती थी, हम देख रहे होते थे और हम सोचते थे कि यार हम कब फ्लाइट में बैठेंगे। और उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि वाह यार 3,000 रुपये सुबह गाड़ी आकर के घर से पिक करके लेके जाती है और लोग कमा करके घूमने फिरने जाते हैं, मैं अपने काम के दौरान इतना घूम भी रहा हूँ, 5 स्टार होटल में रह भी रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा था, तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी। बट मैं मेहनत दबा करके करता था, मतलब सर को कंप्लेन करने का मौका नहीं देता था, बट गलती हो जाती थी शूट में तो मेंटोर अच्छे थे, वो मुझे सबके सामने नहीं डांटते थे, ऐसा आते थे स्माइल करते हुए, कंधे में हाथ डाल के दूर ले करके जाते थे और उसके बाद बोलते थे कि क्या कर रहे हो आप। ठीक है, सो हाँ, फिर 2007 में मैंने फिर अपना एक पहला एग्जीबिशन लगाया, स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से। इस एग्जीबिशन में मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि जब मैं 18 साल के नीचे था और मैं स्ट्रीट पे रहता था तो मैं किस तरीके से रहता था और मेरे भी ड्रीम्स थे, तो मैंने अपने ड्रीम्स इन लोगों के थ्रू फोटोग्राफ्स में दिखाने की कोशिश की इस एग्जीबिशन से। सो जैसे इसका नाम है दीपक, इस लड़के का, और नई दिल्ली स्टेशन में एक GRP पुलिस स्टेशन है और तो ये पुलिस स्टेशन के ऊपर का है। एक्चुअली इस लड़के को कुछ लोगों ने ट्रेन से फेंक दिया था, तो आप देखो कि उसके राइट वाले गाल पे चोट लगी हुई है और वो पट्टी बांध मतलब मेडिकल करवा के वो धूप में, ठंडी का समय था, धूप में बैठ करके रेस्ट कर रहा था। जो प्लेटफॉर्म लाइफ थी वो घर जैसी लाइफ थी कि खेलने के लिए पार्क वार्क नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म ही घर है। तो ये जैसे इनका नाम पप्पू और नंदू है एंड ये सुबह स्कूल जाते थे और शाम को ऐसे न्यूज़पेपर बेचते थे। इस लड़के का नाम विक्की है और ये पुणे का है एक्चुअली, और इसको शेल्टर होम में रहना नहीं था बिकॉज इसके मम्मी पापा कहते थे कि अगर ये शेल्टर होम में जाके रहेगा तो हमें कमा के कौन देगा। बट हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी जब तक ये 12 साल से नीचे है तो लोग दया खा के पैसे दे देंगे, लेकिन जैसे ये बड़े हो जाएंगे इसको लोग पैसे नहीं देंगे। तो देन लास्ट ऑप्शन इनके पास ये बचता है कि ये क्राइम करना चालू कर देते हैं बिकॉज आदत वही रहती है हर दिन 400-500 कमाने की, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो इनको पैसा नहीं देता है कोई। बट मैं विक्की से अभी भी मिलते रहता हूँ। ये पैसे इकट्ठे करके पुणे आता है, ख़त्म करता है, फिर ये दिल्ली पहुँच जाता है। सो ये कांटेक्ट पॉइंट है हमारा। यहाँ पे किसी बच्चे को अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो पट्टी वगैरह कराने के लिए आते हैं, हम खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप शेल्टर होम में आ कर के रहो। अगेन ये विक्की है, तो जब ये कांटेक्ट पॉइंट पे आता है तो सबसे पहले जो टीचर है वो उनको कहते हैं कि आप पहले नहा वहा लो, उसके बाद 2 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सो ये जैसे मेरा लाइफ स्टाइल होता था, मैं ऐसे बोरी वगैरह उठा करके और ट्रैक पे बोतल वगैरह चुनता था। ये जैसे इस लड़की का नाम है लाची, और ये मैं 2006 में मैंने ये फ़ोटोग्राफ्स खींचा था, बट अब इसके 2 बेबी हैं। ये गार्बेज स्टोर है और ये सबसे सेफ़ जगह होता था हम लोग के सोने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ना तो पुलिस वाले आके चेक करते थे, ना तो कोई और आकर के चेक करता था। प्लेटफॉर्म में हम इस तरीके से नहाते थे। सो ये स्ट्रीट ड्रीम्स का फोटोग्राफ्स है। स्ट्रीट ड्रीम्स का आप ब्लैक एंड वाइट पसंद करते हैं या कलर्ड फोटोग्राफी? एक्चुअली उस समय फिल्म कैमरा यूज़ करता था और ब्लैक एंड वाइट ही शूट करते थे, बट इस वजह से ब्लैक एंड वाइट में दिखाने की कोशिश किया था, बिकॉज क्या अगर मैं ये फ़ोटो कलर से शूट करता तो जैसे अभी मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो बच्चे, वो मेन फोकस पॉइंट है। आप कोई सा भी अगर फ़ोटो देखो तो उसमें किसी का फेस वो है, लेकिन अगर मैं इसे कलर में शूट करता तो क्या है कि जो बाकी और कोई ब्राइट कलर है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता फ़ोटो में। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि पूरा पिक्चर न्यूट्रल रहता है एंड जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान रहता है, बाकी कोई ब्राइट कलर पे आपका ध्यान नहीं जाता है। इसके बाद ना मैं एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, एक वर्ल्ड वाइड कंपटीशन था एंड अराउंड द वर्ल्ड से करीब 5000 एंट्रीज थी उसमें। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर चुने, एक हांगकॉन्ग से था, 2 यूएस से था और एक मैं इंडिया से था। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया मुझे कि आप न्यूयॉर्क आओ 6 मंथ के लिए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकन्स्ट्रक्शन शूट करो। सो ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अब बन रहा है। तो उन्होंने साथ में मुझे कहा आईसीपी में फोटोग्राफी करने पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैंने फोटोग्राफी की पढ़ाई नहीं की थी, मैंने असिस्ट करके फोटोग्राफी सीखी थी। तो आईसीपी इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी, वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी स्कूल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अच्छा, तो उसमें सीखने का मौका मिला? हाँ, उसमें डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी की पढ़ाई की मैंने। और इस समय भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी कन्वर्सेशंस की, तो क्योंकि सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर होते थे एंड वो कैमरा देखते ही कैमरे के सामने आके फ़ोटो खिंचवाते हैं, और मुझे उस तरह का फ़ोटो वो खींचना नहीं था, तो मुझे एक्सप्लेन करने में उनको दिक्कत होती थी कि आप अपना काम करो, मैं शूट कर लूँगा। तुम कैसे देखते हो फोटोग्राफ? एक्चुअली एक्सपीरियंस वाली बात है कि आप क्या होता है कि जैसे किसी को भी अगर फोटोग्राफी करनी है तो आप जितना ज़्यादा फ़ोटो खींचोगे आपके अंदर उतना एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली आपका काम इम्प्रूव हो जाएगा। तो जैसे मैं भी जब जाता हूँ तो मैं जा कर के बैठ जाता हूँ, उसके लिए भी पेशेंस चाहिए एक्चुअली। ये नहीं कि आप गए और जाते ही आपको चीज़ें मिल गई। तो बैठ जाता हूँ, बातें करने लगता हूँ, कॉफ़ी पीने लगता हूँ, फिर सडनली देखा कि हाँ कुछ अलग तरीके से कुछ हो रही है। ठीक है, फिर शूट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से काम को इम्प्रूव किया हूँ। वाह। सो अब जैसे ये फ़ोटो है मेरे लिए, मतलब मैं इंडियन कंस्ट्रक्शन देखा हूँ मेरे लिए, मतलब मैं इनको देख रहा था तो लग रहा था कि कहीं युद्ध लड़ने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं वापस आकर के अपना काम कंटिन्यू करते रहा। हाँ। और 2011 में मैं अपने कोलीग से मिला, चंदन गोम साहब, हम लोग मिल के काम करते हैं। तो हम दोनों ने मिल करके एक लाइब्रेरी स्टार्ट की, फोटोग्राफी लाइब्रेरी, बिकॉज हमें लगा कि सोसाइटी ने इतना कुछ किया मेरे लिए, तो नाउ माई टर्न टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। अच्छा। तो जो फोटोग्राफी बुक्स हैं, हाँ, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ। उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, यंगर जनरेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ। तो हमने जितने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, हमारे ग्रुप का नाम है रंग, और उसके अंडर में हम ये लाइब्रेरी चलाते हैं, ओपन लाइब्रेरी। रंग उसका नाम है? हाँ, रंग। अच्छा, दिखाइए ओपन लाइब्रेरी हमें। सो हाँ। ये लाइब्रेरी के फोटोग्राफ्स है। तो हमने सारे बड़े फोटोग्राफर को अप्रोच किया कि वो हमें डोनेशन में ये फोटोग्राफी बुक्स दें। तो अभी हमारे पास 400-500 फोटोग्राफी बुक्स इकट्ठे हो गए हैं। वाह। ये जो आपने अभी बात की कि सोसाइटी ने मुझे इतना दिया है तो मुझे कुछ वापस देना चाहिए, लेकिन सोसाइटी ने भी तो आपको वो जिंदगी दी थी, हाँ, जो बहुत गरीबी की थी। बट बाद में सोसाइटी ने सबने एक्सेप्ट भी तो किया। अब सोसाइटी मुझे असाइनमेंट देती है, इतने सारे चीज़ें ये करती है, तो मदद भी तो करती है। और मैंने ये लाइफ का पार्ट समझ गया है कि जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है। और अपने अंदर की और कौन सी खूबी मिली आपको? 2007 में जब मेरा पहला एग्जीबिशन लगा था और मेरे काफ़ी सारे प्रिंट वगैरह सेल हुए थे, तो मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया था। अच्छा, हाँ। सो लाइक अचानक मेरे बैंक में 1-1.5 लाख रुपए बैंक बैलेंस हो गया। कहाँ मैं 3000 रुपये महीना कमाता था, तो मुझे लगा कि यार अब तो मैं फोटोग्राफर बन गया हूँ, मुझे मतलब सुनने की क्या ज़रूरत है। तो सर मुझे कुछ कहते थे, मैं पलट के जवाब दे देता था। अच्छा। तो एक दिन मुझे उन्होंने ग्रीन पार्क कोस्टा कॉफ़ी बुलाया और बैठाया, कॉफ़ी में बुलाया, हाँ, और बैठा करके मुझे समझाने लग गया कि यू नो, पहले आप मेरे से इस तरीके से बात करते थे, आप इस तरीके से पलट के जवाब देते हो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे उसी दिन ज़मीन पे लेकर के आया। अच्छा, तो जब ही ये थोड़े आप सुस्थिर हो गए, घर की याद आ गई? हाँ, ऑफकोर्स। मैं घर एक्चुअली 5 साल बाद ही गया था, मैं बताना भूल गया। जब मैं सलाम बालक में था, तो सलाम बालक में क्या होता है कि जब स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो एक स्टाफ घर छोड़ने के लिए जाता है। तो मैं 2004 में पहली बार घर गया था, 99 के बाद। तो अच्छा, मुझे एक स्टाफ लेकर के गए थे। और आज भी घर वालों के साथ आपका? हाँ, अब मैं 2008 के बाद फिर कंटिन्यू जाना चालू किया, बिकॉज 2008 माई फादर पास्ट हुए, एंड देन उसके बाद फिर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चालू किया। सो अब मेरे तीनों सिस्टर कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मेरा एक यंगर ब्रदर है, उसने जस्ट अभी BBA कंप्लीट किया है दिल्ली से। और मैंने 2009 में, हमारा अपना घर नहीं था, तो मैंने एक प्लॉट ख़रीदा था जो मैंने न्यूयॉर्क से अपने पॉकेट मनी बचा के लाया था। और मैं भी एक 3 BHK बना रहा था, तो वो मेरे ख्याल से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। वाह वाह। तो अपना खुद का घर अपने फैमिली के लिए बनाया, हाँ, उस लड़के ने जो घर से 11 ईयर्स ओल्ड भाग गया था। हाँ, बिल्कुल। और कुछ लेकर आए हैं आप? हाँ, उसके बाद 2013 में नेशनल ज्योग्राफी ने एक फोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया। तो उन्होंने 8 फोटोग्राफर को चूज करके श्रीलंका लेकर के गए, एंड हर एपिसोड 1 फोटोग्राफर बाहर निकलता था। तो टोटल ये 10 एपिसोड का था। तो ये नेशनल ज्योग्राफी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। सो फिर मैं इस कंपटीशन में 9th एपिसोड में बाहर निकल गया था। 10th एपिसोड का था, तो मैं टॉप 4 में था इस कंपटीशन में। सो यहाँ पे आप देखो मेरी पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गई। आप मेरा अगर डॉक्यूमेंट्री काम देखोगे तो उसमें ज़्यादा रियलिज्म है उन सब फोटोग्राफ्स में। और ये सब फोटो जस्ट ओनली ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स है, क्योंकि फिर यहाँ पे मैं नेशनल ज्योग्राफी के तरीके से सोचने लग गया था और उस तरीके का काम प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था अपने बाउंड्री क्रॉस करना। ये कहाँ का है? श्रीलंका, एडम्स पीक करके एक जगह है। तो वहाँ जैसे सुबह सूरज निकलती है, उसके ऑपोजिट साइड में ऐसा एक शेडो बन जाता है। और बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीब 7000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। फिर जब मैं इस कंपटीशन से वापस आया, और लाइक हर फोटोग्राफर का ड्रीम होता है कि उसके काम का बुक्स आए, तो फाइनली 2013 दिल्ली फ़ोटो फेस्टिवल में मेरी पहली बुक आई, होम स्ट्रीट होम के नाम से। और ये होम स्ट्रीट होम इस वजह से इस बुक का नाम रखा गया, बिकॉज पहले मैं घर पे था, फिर मैं स्ट्रीट पे रहा, और उसके बाद जब मैं शेल्टर होम गया तो शेल्टर होम मेरे लिए घर बन गया। तो जो इसमें फ़ोटोग्राफ्स है वो स्ट्रीट ड्रीम्स के हैं और मेरे शेल्टर होम के हैं। और तो उसके बाद मैंने स्ट्रीट ड्रीम्स के बाद मैंने अपने शेल्टर होम का फ़ोटोशूट करना चालू किया था। और मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं शेल्टर होम में कैसे रहता था, बट दूसरे बच्चों के फ़ोटो के थ्रू। मतलब शेल्टर होम की लाइफ कैसी है हमारी, मतलब कंपेयर टू जो हम आम घर फैमिलीज़ में रहते हैं, वहाँ की फैमिली का एटमॉस्फेयर अलग होता है, हमारा कैसे अलग है, हम किस तरीके से नहा रहे हैं। और यहाँ पे कलर्स आ गए हैं, यहाँ पे कलर्स आ गए, बिकॉज शेल्टर होम में आने के बाद कलरफुल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। सो फिर ये बुक आ गई, एंड देन 2013 में, फिर 2014 में मुझे MIT मीडिया लैब से फेलोशिप मिल गई। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? बोस्टन, MIT में, हाँ। अच्छा, बट वन ऑफ द लाइक ए बिग अचीवमेंट मेरे लिए अभी तक जो ये सब चीज़ें हुआ उससे जो बड़ा अचीवमेंट है वो ये है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, हाँ बताइए उसके बारे में। सो क्या हुआ कि मैं जब भाग करके आया तो मैं स्टेशन में रहा, और इस साल इंडियन रेलवे 151 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो चाह रहे थे कि इसके ऊपर कुछ फ़ोटो एग्जीबिशन लगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे असाइनमेंट दिया कि आप हाँ, सो मैंने ये इंडियन रेलवे के लिए शूट किया। तो अभी जब वो 151 ईयर सेलिब्रेट करेंगे इस महीने और मे बी नेक्स्ट मंथ, तो अभी मैं कुछ ही फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ, बट वो एग्जीबिशन लगेगा और रेल मिनिस्टर उसे आ करके इनोग्रेट करेंगे। सो मैंने सिर्फ जो हेरिटेज लुक के स्टेशन है मैंने उनको शूट किया है। क्या बात है। वाओ। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। आप लास्ट में हमारे लिए कुछ खास लेकर आए हैं, वो बताइए, वो दिखाइए। लास्ट में मैं कुछ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप के फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये मैंने TrulyMadly.com है, तो जैसे जो मैं कह रहा था कि कमर्शियल काम करता हूँ, उसमें मैंने कुछ फ़ोटोशॉप में टेक्स्ट वगैरह फ़ोटोशॉप से लिखे हैं। बट ये भी सोशल कैंपेन है कि दिल्ली के लोगों का ये स्टीरियोटाइप है। तो मैं भी फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ, तो प्लीज़ ये याद रखिए। और देखिए वाई दिल्ली। और नेक्स्ट फोटो लड़कियों के लिए है। यह आइडिया कैसे आई आपको? ये एक्चुअली 3-4 मीटिंग्स के बाद चीज़ें क्लियर हुई थी, तो हमने ऑफिस में ये आइडिया डेवलप कर लिया था। पहले उनका आइडिया था कि छोटा स्लेट ले करके ऐसा शूट करेंगे, फिर मैंने उनको कुछ फीडबैक दिए, फिर उनका फीडबैक आया। बट नेक्स्ट फोटो सभी कोई ध्यान रखिएगा, लड़के लोग खास करके। So, ये लास्ट फोटो है। वाह। अभी आपको एक रैपिड फायर देता हूँ। अच्छा ठीक है। आपके ऊपर जिन्होंने गहरा असर छोड़ा है ऐसी 3 हस्तियाँ। एक मेरे मेंटोर, दूसरा सलाम बालक ट्रस्ट, एंड तीसरा मेरे दोस्त, जो मेरे, क्योंकि मैं फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ, तो जो भी है वो मेरे फ्रेंड सर्कल है। एंड जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो दे वेरी टेक केयर अबाउट मी, एंड हर चीज़ में लाइक सजेस्ट करेंगे मेरे हर सुख दुख में। जो मेरे साथ खड़े होते हैं वो मेरे दोस्त है। अभी मैं आपको आधा सेंटेंस दूंगा, आपको पूरा करना है। हाँ। एक अच्छे फोटोग्राफर के लिए ज़रूरी है कि आप उस इमेज को किस तरीके से देखना चाहते हो। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अब आप लोग के समझने के लिए, कि आपको डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट टर्म खुशी चाहिए या लॉन्ग टर्म खुशी चाहिए। सो जो शॉर्ट टर्म खुशी है वो सुंदर फोटोग्राफ्स होता है, जो हम हर कोई क्लिक करते हैं, हमने देखा और हमें मज़ा आ गया। जो लॉन्ग टर्म खुशी होती है वो देख करके शायद आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करे, बट उनके दिमाग में वो इमेज बैठ करके रह जाएगी, जो भी उस इमेज को देखेगा। बहुत सारी कमर्शियल मूवी आती है, हम वो मूवी देखते हैं और सिनेमा हॉल से निकलते हैं, भूल जाते हैं उस मूवी का। लेकिन जब जैसे अब हैदर जैसी मूवी या माझी जैसी मूवी देख करके निकलते हैं, तो कुछ सालों तक वो हमारे दिमाग में बैठा रह जाता है। तो उसी तरह फोटोग्राफ्स में भी है कि आप या तो सुंदर फोटो खींच के थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ, या तो आप वेट करो अपने टाइम का आने का। क्या बात है, क्या बात है। मेरे जीवन पर अगर मैं आत्मकथा लिखूं तो उसका नाम होगा ड्रीम्स। जिंदगी से मैंने ये सबक सीखी है कि हार्डवर्किंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कैमरा कौन सा पसंद है? मुश्किल है बताना क्योंकि कैमरा पार्ट ऑफ लाइफ है एंड मेरे लाइफ का पार्ट है एंड सभी ने साथ देता है मेरा, तो वेरी डिफिकल्ट कि ये मेरा फेवरेट है। वेरी वेरी डिफिकल्ट। कैमरा का और आपका रिश्ता अब कैसा है? अब मैं फ्रेंड जैसा कह सकते हो बिकॉज मेरे साथ चलता है, गर्लफ्रेंड जैसा कह सकते हो। तो कैमरा ने आपको क्या सिखाया? कैमरा ने सिखाया नहीं, दिया भी बहुत कुछ है एक्चुअली। जो भी दिया है कैमरे ने दिया है मुझे। ठीक है, आज मैं यहाँ पे बैठ के अगर टॉक दे रहा हूँ तो वो कैमरे के वजह से ही पावर दिया है बेसिकली। वाह वाह वाह, क्या बात। आपके पसंद का शहर? दिल्ली। दिल्ली? यस, दिल्ली ने एक्चुअली मैं बताऊँ वाई दिल्ली, बिकॉज बहरीन में मेरा एग्जीबिशन लगा था, वहाँ पे एक इंडियन लेडी एसोसिएशन है, सो वो हर साल एक अवार्ड देते हैं जो इंडिया में अच्छा कर रहे होते हैं। सो जैसे 2009 में उन्होंने किरण बेदी को बुला करके वो अवार्ड दिया, 2010 में उन्होंने मेरे ट्रस्टी और मुझे बुला करके वो अवार्ड दिया एंड बहरीन में मुझे बहुत हैंडसम सैलरी के साथ जॉब ऑफर किया गया। ठीक है, अच्छा। मुझे जॉब ऑफर न्यूयॉर्क में भी मिला था बट मुझे लगा कि यार नेम फेम तो दिल्ली ने दिया है। ठीक है, तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है कि मैं बहरीन में शिफ्ट हो जाऊं और पैसे कमाऊं। मित्रों, मी तुम्हाला म्हणालो तो हे सत्र सुरू करताना की आपल्याला काहीतरी एक भन्नाट अनुभव येणार आहे आणि मला वाटतं तुमच्या टाळ्यांनी हे सिद्ध केलेलं आहे की तो भन्नाट अनुभव आलेला आहे। विकीच्या प्रवासाकडे किती कोणांनी, किती दृष्टिकोनांनी पाहावं आपण। एका बाजूने ही एक परिकथा आहे, तो म्हणतो ड्रीम्स, ही एक परिकथा, ही एक स्वप्नकथा आहे, रॅक्स टू रिचेस अशा तऱ्हेचा एक हा प्रवास आहे। पण दुसऱ्या बाजूला मला असं वाटतं की जीवनाचे सगळे हेलकावे घेत असूनही जगण्याबद्दलची आपली आस्था कायम ठेवणारा आणि मातीशी इमान राखणारा हा एक प्रवास आहे। हा प्रवास फक्त सृजनात्मक, कलात्मक किंवा क्रिएटिव्ह आहे असं नाही, तर ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये आपल्याला असं दिसलं की क्रिएटिव्हिटी म्हणजे सर्जनशीलता आणि संघर्ष जगण्यातला, हे दोन्ही एकमेकांशी एकरूप कसे होत होते। बऱ्याच वेळेला आपल्याला संघर्ष म्हटलं की त्यामध्ये सर्जनशीलता नसतेच असं वाटतं। आपण विकीच्या प्रवासाकडे असंही पाहू शकतो की संघर्षामध्ये ज्याला सर्जनशीलता मिळाली आणि ज्याने सर्जनशीलतेमुळे आपला संघर्ष संपन्न केला, अशा तऱ्हेचा एक विलक्षण प्रवास आहे हा। यामधल्या त्याच्या सगळ्या फोटोग्राफ्सकडे जर तुम्ही पाहाल तर संघर्ष कुठे संपतो आणि सर्जनशीलता कुठे सुरू होते, सर्जनशीलता कुठे आहे आणि त्यातून संघर्ष कसा येतो हे आपल्याला मुळी कळतच नाही। आणि मला वाटतं हीच त्याची खासियत आहे। मगाशी तो आपल्याला म्हणाला, छोटी खुशी देने वाला फोटोग्राफ और लंबी खुशी देने वाला फोटोग्राफ। हमारे वेद में भी थोड़े सेशन ऐसे होते हैं जो थोड़ी खुशी देते हैं, लेकिन बहुत सारे सेशन ऐसे होते हैं जो लंबी खुशी देते हैं। अब हम जब उनकी लिस्ट बनाएंगे तो आपका सेशन हमारे लिए लंबी खुशी देने वाला सेशन होगा, क्योंकि आज आपने हमें एक नजरिया दिया है। जो नजरिया आपने दिया है वो सिर्फ फोटोग्राफी की तरफ देखने का नहीं, हम सब अभी सोचने लगेंगे हमारी जिंदगी में कितनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। और आपकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा था जब कुछ नहीं था, फिर भी आपने अपनी नज़र को साथ रखते हुए वो सब हासिल किया। इनके ज़िंदगी का ये चॉइस ही है, छोटी खुशी या लंबी खुशी। हमेशा लंबी खुशी के लिए जाओ, लंबी खुशी बहरीन में नहीं है, दिल्ली में है। लंबी खुशी पैसे में नहीं है, मेहनत में है। लंबी खुशी सिखाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका।